हाय ऑल नाकुमट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम है ना जुहू नाकुमटे इसका क्रंच करेंगे। जुहू के इस तरह के पीसेस आते हैं, इसीलिए इसका नाम जुहू नाकुमट रखा जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में रहता है। ये टेस्ट एकदम इसका बहुत बढ़िया है, थोड़ा स्मोकी है बट बहुत ही अर्दी है, साथ ही एक क्रंची भी है फ्रेंड्स, बहुत क्रंची बहुत अर्दी। देखिए इन दिनों मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, पहले तो मैं ज़्यादातर फुल रोस्टेड ही खाती थी, पर जब से ये A1 का जुहू नाकुमट आया है मुझे यही पसंद है, क्योंकि थोड़ा स्मोकीनेस पसंद होने की वजह से ये नाकुमट मुझे बहुत पसंद आया। तो और मैंने क्या खाना खाने के बाद क्रंच करती हूँ तो सोचा आज आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो इस तरह का ये चंक्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, आप इसका क्रंचनेस देखिए। बहुत ही अर्दी, बहुत ही क्रंची। ये वाले होते ना ये भी अर्दी होते हैं, सिर्फ इसमें ब्लैकनेस नहीं होने की वजह से कहता है स्मोकीनेस नहीं लगता, बाकी ये भी बहुत बढ़िया होते हैं। और इसकी एक बात अच्छी ये है कि अब जब से मैं खा रही हूँ, जब से मुझे इसमें कुछ ग्रिटनेस नहीं खाई दे रहा, एक आधा पीस निकल जाता है पर बहुत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत हर्दी और क्रंची। फ्रेश स्टॉक है तो आप भी जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दीजिए। ऐसे जो दिन गए आदि है और उसमें कैसा होता है, ज़्यादा रोस्ट वाला फ्लेवर नहीं आता, जो पूरी तरह ब्लैक होते ना वो थोड़े और ज़्यादा क्रंची होते, ये भी क्रंची होते फिर थोड़ा सॉफ्ट लगते, और वो जो रहते वो ज़्यादा क्रंची होते। जिनको सॉफ्ट क्रंच पसंद है वो इस तरह के ले सकते हैं। और उसका साइज जो है ना एकदम बड़े, जैसे एक दो चम्मच उठा लिए खा लिए हो गया। अब मेरा तो फिनिश हो गया है, ये दो पीस खाऊंगी, मुझे इस तरह के ज़्यादा पसंद आते क्योंकि क्रंचीनेस देते स्मोकीनेस है। बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स जिनको भी ऑर्डर करना है वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं,
और है ना, जिन जो पहली बार आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और जो अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, जिनको नाकुमट पसंद है उनके लिए ज़रूर शेयर करिए। जल्दी से जल्दी डीएम करिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।